इसके देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया दाना पड़ा है इसमें। इसको चाहे भून के खाया जाए या तो उबाल के खाया जाए या तो फिर कढ़ी बना के खाया जाए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये बहुत बड़ा है तो तोड़ दे रहे हैं। इसी तरह मुलायम रहेगा तो इसकी कढ़ी बहुत अच्छे बनेगी। मुलायम मुलायम होना चाहिए मक्का। ये हमने लिए हैं काला नमक और मक्का, काला नमक और मक्का। ये मुलायम मुलायम बहुत सा मक्का है, बहुत मीठा मक्का है। इसको हम नाश्ते साथ खाएंगे, नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगेगा, पेट भी भर जाएगा, बहुत ही टेस्टी है, मीठा है। चार पीस प्याज, छिलका सहित है, मिर्च, काली मिर्च, जीरा, दालचीनी पड़ा हुआ है, इसको चल रहे पीसने। अब देखें कई अदरक, हरा मिर्च, लड़ लीजिए। मसाला हमारा पिसा चुका है, अब हम चल रहे इसको धुलेंगे, पीसेंगे। धुल लिए हैं, अब इसको हम पीसेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। नमक का हमारा पिसा गया है, करी पत्ती, मेथी, अब हम छोड़ेंगे प्याज। यदि आपके पास टमाटर हो तो टमाटर भी डाल सकते हैं, मेरे पास टमाटर नहीं है। अब हम इस मसाला छोड़ रहे हैं, इसे हुआ मसाला। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसा हुआ मसाला सब मिक्स कर दे रहे हैं। अगर आप और टेस्टी चाहते हो तो गरम मसाला डाल सकते हैं। मसाला हमारा भुना चुका है, अब हम पिसा हुआ मक्का को डाल देते हैं। मसाले के साथ हम इसको भून लेंगे थोड़ी देर। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इतना मसाला छोड़ देते हैं, अब मक्का हमारा भुना गया है, अब हम छोड़ते हैं पानी। Продолжение следует...